दोस्तों, मैं हूं शाहरुख और आप देख रहे हैं माइंडेड स्टडी 22। तो दोस्तों स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल माइंडेड स्टडी 22 में। तो दोस्तों आज है 23 जून और इस वीडियो में हम 23 जून के हरियाणा करंट अफेयर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं सबको जानने वाले हैं, देखने वाले हैं। इस वीडियो में हम वही क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। एक्स्ट्रा चीज़ें हमको ऐड नहीं करनी है, हमें अपने समय के अनुसार उन्हीं चीज़ों को पढ़ना होता है करंट अफेयर्स में जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट होती है। तो चलिए हम अपनी ज़रूरत के अनुसार हरियाणा करंट अफेयर्स को देखते हैं कि आज की हरियाणा करंट अफेयर से रिलेटेड हमारे लिए क्या जानना जरूरी है, ठीक है। तो चलिए करते हैं पहले क्वेश्चन की शुरुआत जो कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। देखिए यहाँ पर मैं पहला क्वेश्चन निकाल देता हूँ। पहले क्वेश्चन की हम बात करें तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से हरियाणा की कौन सी संस्था अंतर्राष्ट्रीय स्तर का मेडिटेशन योग केंद्र स्थापित करेगी। हम हरियाणा की बात कर रहे हैं कि हरियाणा की कौन सी संस्था में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का मेडिटेशन योग केंद्र स्थापित किया जाएगा, ठीक है। हाल ही में योग दिवस गया है तो योग दिवस के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। तो अब हम बात करेंगे कि हरियाणा की कौन सी संस्था ने मेडिटेशन योग केंद्र स्थापित किया जाएगा, कौन सी संस्था है वो हरियाणा की जिसमें मेडिटेशन योग केंद्र स्थापित किया जाएगा, कौन से लेवल पर, अंतरराष्ट्रीय लेवल पर, ठीक है। तो देखिए जो इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर सी हो जाएगा, जो श्री कृष्ण आयुष विश्वविद्यालय है, ये कुरुक्षेत्र के अंदर पड़ेगा, आपके हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले में पड़ेगा। तो इसी हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले के अंदर है श्री कृष्ण आयुष विश्वविद्यालय और इसी श्री कृष्ण आयुष विश्वविद्यालय के अंदर अंतर्राष्ट्रीय स्तर का जो मेडिटेशन योग केंद्र है वो स्थापित किया जाएगा हरियाणा की इस संस्था के अंदर, ठीक है। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। योग दिवस की अगर हम बात करें, योग दिवस के बारे में हम इससे पहली वाली वीडियो में जान चुके हैं, ठीक है, वो सब आपको अच्छे से मैं बता चुका हूँ। अगर आपने पहली वाली वीडियोज नहीं देखी है तो आप रोजाना देखा करें ताकि आप सारी चीजों को हमारे साथ क्लियर करते हुए चले। चलिए अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगले प्रश्न की हम बात करें तो प्रश्न नंबर दो की हम बात करें तो ये है, हाल ही में इफको नामक संस्था के द्वारा नैनो यूरिया तरल खाद तैयार किया गया है, निम्नलिखित में से इफको किस तरह की संस्था है। अब देखिए ये क्वेश्चन मैंने क्यों बनाया है, ऐसा इसलिए बनाया है क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम इसी तरीके के क्वेश्चन पूछता है। अब मुझे सारा पता है कि आपको इसके बारे में बहुत सारा पहले से ही ज्ञान है कि इफको जो है, इफको नामक संस्था ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या क्या है, नैनो यूरिया तरल खाद का, ठीक है, क्या क्या है आविष्कार किया है। अब जो ये नैनो यूरिया तरल खाद है इससे क्या हुआ है, अब तक क्या था कि अब हम मान लो किसी भी खेत के अंदर खाद की पूर्ति करनी थी तो हमें खाद का कट्टा लाता, मतलब कट्टा यानी बोरा लाता था, ठीक है। तो ये जो बोरा होता था, ठीक है, उस बोरे से हम लगभग बहुत बड़ी मात्रा का बोरा होता था, लगभग 50 किलोग्राम के आसपास का होता था, ठीक है। तो उस बोरे से हम क्या करते थे, उस खेत की खाद की पूर्ति करते थे। लेकिन अब जो ये इफको नामक संस्था है इसने क्या क्या है, इसने एक यूरिया तरल खाद पदार्थ तैयार किया, उसका नाम क्या है, नैनो यूरिया तरल खाद। ये एक बोतल होगी, ठीक है, इसी बोतल में से क्या है, हम आधा ये तरल तो है ही, यहाँ पे लिखा हुआ तरल खाद है, तो आधी बोतल से ही हम क्या कर सकते हैं, आधी बोतल नैनो यूरिया खाद तरल खाद से हम पूरे खेत की क्या कर सकते हैं, खाद पूर्ति को कर सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करें इसके हरियाणा के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो नैनो यूरिया तरल खाद की, तो ये हरियाणा के कौन से जिले से स्टार्ट होगा, कौन से जिले में सबसे पहले इसकी शुरुआत होगी, वो हो जाएगा आपका करनाल जिला, ठीक है। ये भी आपको पता होना चाहिए कि करनाल जिले से इसकी शुरुआत होगी हरियाणा के अंदर नैनो यूरिया तरल खाद की, ठीक है। तो ये तो अब इफको की जो क्वेश्चन हमारा है, इफको किस तरह की संस्था है, इसी से इस तरीके से क्वेश्चन पूछता है। अब हम क्या पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं इफको नामक संस्था ने क्या क्या है, नैनो यूरिया तरल खाद तैयार किया है, ठीक है। ये किस हरियाणा के कौन से राज्य में तैयार किया है, करनाल राज्य में तैयार किया है। अब ये सब चीज़ आप पता कर लेंगे, लेकिन इफको के बारे में नहीं जानेंगे तो फिर आप कहेंगे यार पता नहीं कहाँ से क्वेश्चन आ जाते हैं, ये सब हम पढ़ते ही नहीं है। तो इसीलिए इन्हीं को फोकस करो क्योंकि क्वेश्चन ऐसे बनते हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। जो इफको नामक संस्था है ये एक सहकारी संस्था है, ना ही ये निजी संस्था है और ना ही क्या है, सरकारी संस्था है, ये एक सहकारी संस्था है, ठीक है।
तो इफ्को की जब हम बात करें तो इफ्को एक सहकारी संस्था हो जाती है। इफ्को ने ही हाल ही में क्या किया है, नैनो यूरिया तरल खाद तैयार किया है। और हरियाणा के कौन से जिले से इसकी शुरुआत होगी, करनाल जिले से शुरुआत होगी। ठीक है, ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। चलिए, आशा करता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 2 आपके याद भी हो गया होगा, समझ में भी आ गया होगा। अब करते हैं हम प्रश्न नंबर 3 की बात, जो कि स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा। टोक्यो ओलंपिक 2021 के लिए भारतीय खिलाड़ियों में से हरियाणा के कितने खिलाड़ियों का चयन हुआ है? ठीक है, ये क्वेश्चन अपने आप में इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे ध्यान से सुनिए, टोक्यो ओलंपिक की बात की जा रही है। ठीक है, तो टोक्यो ओलंपिक की अगर हम बात करेंगे 2021 के लिए, टोक्यो ओलंपिक 2021 के लिए भारतीय खिलाड़ियों में से हरियाणा के कितने खिलाड़ियों का चयन हुआ है, तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी है, 29 खिलाड़ियों का चयन हुआ है। ठीक है, टोक्यो ओलंपिक के लिए। और इनमें कितने पुरुष हैं, देखिए पुरुषों की अगर हम बात करें तो पुरुषों की संख्या 13 है, और जो बाकी जो 16 है, इन 16 में कौन है, ये 16 की जो संख्या है महिला है। ठीक है, महिलाओं की संख्या कितनी है, महिलाओं की संख्या 16 है। तो ठीक है, इसमें क्या है, अब जो हरियाणा के टोटल खिलाड़ियों की हम बात करें जो कि 2021 के लिए टोक्यो ओलंपिक में जिनका चयन हुआ है, तो उनकी संख्या 29 है। अगर हम बात करें पुरुषों की कि टोक्यो ओलंपिक 2021 के लिए हरियाणा के कितने पुरुष खिलाड़ियों का चयन हुआ है, 13 हो जाएगी। अगर हम बात करें महिला खिलाड़ियों की, तो महिला खिलाड़ियों का चयन हुआ है 16 का। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, ये इसका सही आंसर है। और याद रखिएगा टोक्यो ओलंपिक 2021 के लिए है। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 4 पर, जो कि स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा। हाल ही में तिरसा, अब देखिए इस तिरसा को सही से याद करिएगा, तिरसा को याद रखिएगा। तिरसा एक छोटी बच्ची है और इस तिरसा की जो उम्र है वो लगभग 6 साल है। कितनी है, 6 साल है। हाल ही में अभी कुछ दिन पहले ही इसकी लगभग 6 जून को ही इसकी जो उम्र हुई थी वो 6 साल को हुई थी। ठीक है, तो इसकी जो उम्र है वो 6 साल की है, ये तिरसा जो नामक लड़की है 6 साल की इसकी उम्र है। इसने क्या किया है, भारतीय इतिहास में अपना नाम दर्ज करवाया है। नाम दर्ज किस बेस पे किया है, क्योंकि इसने 53 सेकंड के अंदर क्या क्या है, प्रेडिक्ट टेबल को याद किया है। देखिए, अब आप इसकी जो मेमोरी जो पावर है उसको समझ सकते हैं, यहाँ से इसकी मेमोरी पावर का अंदाजा लगा सकते हो कि 53 सेकंड के अंदर उसने प्रेडिक्ट टेबल को याद किया है और 6 साल की बच्ची है। ठीक है, तो प्रेडिक्ट टेबल को 53 सेकंड के अंदर याद करने से उसने क्या किया है, भारतीय इतिहास में अपना नाम दर्ज किया है तिरसा ने। अब इस तिरसा का संबंध हरियाणा के कौन से जिले से है, हरियाणा के सिरसा जिले से तिरसा का संबंध है। और इसने 53 सेकंड के अंदर जो साइंस के अंदर प्रेडिक्ट टेबल होती है, उस प्रेडिक्ट टेबल को 53 सेकंड के अंदर याद किया है। और इसकी जो मेमोरी पावर है, मेमोरी पावर बेस के आधार पे हरियाणा के भारतीय इतिहास में इसने अपना नाम दर्ज करवाया है। इसका संबंध हरियाणा के सिरसा नामक जिले से है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, आशा करता हूँ कि तिरसा के बारे में आपको सुनकर अच्छा लगा होगा और आपको ये सब चीजें याद भी हो गई होंगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 5 की, जो कि स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा। प्रश्न नंबर 5 है, निम्नलिखित में से 23 जून को, आज तारीख कितनी है, आज तारीख है 23 जून, तो 23 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो टोक्यो ओलंपिक की बात अभी मैंने आपसे की थी, टोक्यो ओलंपिक में हरियाणा के कुल कितने खिलाड़ियों का चयन हुआ, 29 खिलाड़ियों का चयन हुआ है। इन 29 में से 13 खिलाड़ी पुरुष हो जाएंगे और 16 खिलाड़ी कौन हो जाएंगे, 16 खिलाड़ी महिलाएं हो जाएंगी। ठीक है, अब देखिए, अब हम बात करते हैं कि 23 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है। जब हम 23 जून की बात करते हैं तो 23 जून को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाया जाता है। कौन सा दिवस मनाया जाता है, 23 जून को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाया जाता है। और इसकी शुरुआत की हम बात करें तो पहली बार इसकी शुरुआत होती है 23 जून, पहली बार इसकी शुरुआत कब हुई थी, 23 जून 1948 को हुई थी। ठीक है, कब हुई थी, 23 जून 1948 को, तो जो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस है इसकी शुरुआत होती है। ठीक है, तो 23 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है, 23 जून को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाया जाता है। ठीक है, सबसे पहले कब मनाया गया, सबसे पहले 23 जून 1948 को मनाया गया। ठीक है, और पहली बार किसकी मतलब शुरुआत के, किसकी शुरुआत के द्वारा इसको अपनाया गया था, मनाया गया था, तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के द्वारा इसको मनाया गया था। ठीक है, कब, 23 जून 1948 को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के द्वारा 23 जून 1948 को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाया गया था सबसे पहली बार। उसके बाद हर वर्ष 23 जून को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाया जाता है। ये सब चीज़ आपको पता होनी चाहिए। और ये थी आज आपके सामने
23 जून की हरियाणा करंट अफेयर से रिलेटेड जो 5 क्वेश्चन थे जो कि कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, और इसी तरीके के क्वेश्चन हमको करंट अफेयर बेस के बेस पे पढ़ने चाहिए, क्योंकि हमें अपनी ज़रूरत को पहचानना, ज़रूरत के अकॉर्डिंग काम करना, ये जान लेना ही बड़ी बात होती है, और अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग ही काम करिएगा। जितना आपको ज़रूरत है उतना पढ़िए, एक्स्ट्रा की चीज़ें मत पढ़िए, टाइम वेस्ट है, कोई फ़ायदा नहीं है। आपको पता है कि ये चीज़ नहीं आने वाली है तो उनमें पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है, उनको अपने सिलेबस से स्किप कीजिए ताकि आप कम समय में और बहुत जल्दी अपना जो सिलेक्शन है वो करवा सकते हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और पास में बेल आइकन वाले बटन को हिट करना जरूर जरूर हिट करिएगा, बिल्कुल मत भूलिएगा हिट करना, कमेंट आपको ज़रूर करना है। और उसी के साथ में मैं आपको बता देता हूँ, हमारे जो चैनल पर कंप्यूटर कोर्स चल रहा है, हिंदी कोर्स चल रहा है, ठीक है, हरियाणा जीके का कोर्स चल रहा है, इंडियन जीके का कोर्स चल रहा है, तो इन सारा जो कोर्सेज हैं इन सबको आप देख सकते हो। फ्री MCQs है, ठीक है, उसके अलावा फ्री टेस्ट सीरीज चल रही है, सारा कुछ आपको फ्री मिलेगा। लाइव क्लासेज चलती है और आपको अनाउंसमेंट आज शाम तक कर दिया जाएगा कि लाइव क्लास कब से क्या शेड्यूल होगा, कब कौन सी क्लास शुरू होगी, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो आप हमारे साथ जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर हिट कीजिए ताकि सबसे पहले हमारी हर वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ लास्ट तक जुड़े रहने के लिए, धन्यवाद।